एक दूजे के वास्ते। मिया इन आर्मी वालों से कुछ मैनर्स ही सीख लेते। मतलब दोस्त आए तो घर के अंदर तो घुसाओ है? उसके लिए मुझे मैनर्स नहीं, गोली बारूद वाली ट्रेनिंग लेनी होगी, समझा? तुझे अंदर घुसाया ना तो पापा तुझे। यानी दुश्मन उस पार नहीं, इस पार ही पीछे लग लिया, पर क्यों? क्योंकि तू है बतौले बाज नंबर वन, समझा? चल बैठ। डंडा फेंक। नहीं, डंडे के साथ ही चलेंगे। मिया, जब से तुमने आर्मी स्कूल ज्वाइन किया है तुम तो हमसे दूर ही हो गए हो। पर अब तुम्हारे लाइफ में बस ये आर्मी स्कूल, आर्मी कॉलोनी और वो देवी का ही तो है। क्या यार, खुद को ना तो पड़ लगा, पहला खुद को सेंटी करने के लिए और दूसरा उसका नाम लेने के लिए। तुमसे ज्यादा किसकी जिंदगी जली लोगी बे? हैं? मतलब एक तो गर्लफ्रेंड है, हैं? और वो चिपकती है, नहीं? भाई, इतनी, इतनी सेल्फियां भेजती है ना वो आजकल, मुझे हर जगह वही दिखाई देती है अब। वो छोड़, ऑटो। और तो इतने, इतने फोन करती है कि कोई किसी को आवाज भी लगाए ना, ऑटो। तो मुझे लगता है उसे क्या आवाज है? फिर से कोई आवाज आई। ओ मिया, मैंने भी सुना है। लुक क्या घेरा उधर चल रही है देवी का काम। मतलब मुझे तो दिखाई भी दे रही है मिया। किधर किधर? उधर उधर। श्रवण श्रवण, हाय हाय स्वीटी। बंटी, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो श्रवण के साथ हम दोनों घूमने जाएं। बहुत हाय लगी कि तुम हमारी। दो दोस्त निकले थे ओल्ड भोपाल की सड़कों में मौज उठाने, और इसने एक लड़की के लिए मेरे दोस्त को उठा दिया। क्यों, आज से पहले काम किया या नहीं? कर्नल साहब मेरे दोस्त हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उनसे बार बार पूछूं। हमारा काम है ये देखना कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है और कैसा नहीं। यू अंडरस्टैंड मी? क्या बात हो गई जी, इतने गुस्से में? अरे वही डील का चक्कर है कविता, जरा सा कुछ हो जाता है तो ऑफिस वालों को लगता है कि कर्नल साहब से यारी दोस्ती में मैं कुछ भी करवा लूंगा, कुछ भी निकलवा लूंगा। और फिर उनकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना? तबीयत ठीक हो तो भी मैं उनसे फेवर नहीं ले सकता और नहीं लूंगा। उन्हें बिजनेस और दोस्ती मिक्स करना बिल्कुल पसंद नहीं है। दादू एक सेकंड रोकना प्लीज। क्या हुआ? वो एक फ्रेंड है। लिपिट चाहिए यार प्लीज। पर हम लोग कैन जा रहे हैं। अभी 5-7 दिन पहले ही तो फ्रैक्चर हुआ था ना तुम्हारा। मुझे पता है कि सब ड्रामा है। वैसे इतने हेवी लाइंस लिखे किसने? वो दिया था मालूम नहीं, पर मेरे नहीं थे। वैसे गर्लफ्रेंड से पैचअप हो गया तुम्हारा? हाँ, उसने सब्जेक्ट क्या लिया? सब्जेक्ट मेडिकल। वो डॉक्टर बनना चाहती है बड़ी होके?
हमारा इलाज भी करे। रियली? क्योंकि श्रवण तो मुझे कॉमर्स बता रहा था। ओह अच्छा अच्छा, हमारी कल किरण के बारे में पूछ रही हो? हाँ हाँ, वो तो खून देखते ही बेहोश हो जाती है, वो कॉमर्स ही करेगी। श्रवण ने मुझे मेडिकल ही बताया था। जब डायलॉग्स याद नहीं रहते तो लिखते क्यों? क्या करे, पर जरूरत क्या थी झूठ बोलने की? अरे ना कट जाती बेचारे की, अगर सच बता देता कि हर दो मिनटों में फोन कॉल करने वाली कोई और नहीं बल्कि देविका थी। उसको खून के आंसू रुलाने वाली उसकी अपनी ही गर्लफ्रेंड थी, और आज हमको अपने दोस्त को बाइक से उतरवाने वाली भी। हाँ पर अगर श्रवण चाहता तो वो उसे मना भी तो कर सकता था ना। हाँ? चलो एक काम करते हैं, तुम और मैं हम बन जाते हैं और मिलकर श्रवण का मजा चखाते हैं। हाँ ये सही है, तुम और मैं हम, मजा आएगा। हाय लगेगी, हाय लग गई यार की हाय। आंटी तेरी तो मैं ना, मेरी मूवी स्टार्ट हो चुकी है बेबी, पर ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी, फिर हमें लिफ्ट मांगनी पड़ेगी। तुम्हें देखकर कोई रोकेगा नहीं, और फिर मैं अपना चार्म यूज करके एक ट्रक रोकूंगी, और फिर उसके बाद और बस मैं ट्राई करता हूँ। क्या हुआ? क्यों मल्होत्रा रेजिमेंट, फिल्मी सीन, इसे धोखा देने का वेट कर रहे हो? पापा अब वो बाइक खराब हो गई है बस। कर्नल अंकल आप कैसे हैं? आई एम बेटर नाउ बेटा, कहीं छोड़ दूं तुम्हें? नहीं नहीं अंकल, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हम कोई मैकेनिक ढूंढ लेंगे। यहाँ कहाँ मैकेनिक ढूंढते फिरोगे, आओ छोड़ देता हूँ, संजय को बोलूंगा बाइक ले आएगा वापस पे, आ जाओ। अरे मिया बातें क्या कर रही हो, क्या कर रहे हैं मिया, आ जाओ। अरे भाभी जी आइए आइए आइए, अरे अरे आइए भाभी जी। लगता है पूरी क्लास यहीं इकट्ठा हो जाएगी, कम ये ना बैठिए। ये लीजिए, स्पेशल छोले बनाए थे, मैंने कहा आप लोग भी चख लें, सब खा के बताना कैसे लगे। हाँ मेरे बेबे की रेसिपी है। अच्छा जी अब मैं चलती हूँ, भाई साहब से तो फिर मिलना होगा। अरे अभी आए और अभी जाने लगी, बैठिए चाय वाय पी के जाइएगा। नहीं जी वो क्या है ना, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, आजकल ना एसिडिटी ने बड़ा परेशान करके रखा हुआ है। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है? हाँ जी जी, मैं बस यूं इलाज कर देता हूँ, यही रुकिए। अरे कविता जी, हाँ कि कंगन तो कितने सुंदर हैं, है ना, बहुत सुंदर है ना। हाँ मम्मी ने दिए थे शादी में, देखो फैशन कैसे घूम घूम के वापस आ जाता है, फिर से आ गए फैशन में। हाँ, हमारे हाथ तो फैशन कभी लगा ही नहीं। शादी से पहले मैगजीन में देखा करती थी, शादी के बाद अब टीवी पर। ये लीजिए चूरन, अभी गुनगुने पानी में लीजिएगा और रात को सोने से पहले 2 दिन में देखिएगा फर्क। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको आयुर्वेदिक दवाइयों की इतनी जानकारी है। बताइए यही तो बिजनेस है इनका, और बहुत जल्द हम अभी एक नया स्टोर भी खोलने वाले हैं। अरे वाह, बस वो कुछ बस कुछ क्या जी? बस उतने पैसे नहीं हमारे पास। कोई बात नहीं, ये तो लाइफ है ना, ये सब तो चलता ही रहता है, पर आप चिंता ना करो, मुझे पूरा यकीन है सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा जी अभी ना मैं चलती हूँ। नमस्कार, आना फिर जरूर। हाँ जी हाँ जी जी, थैंक यू। ओके।
क्या था मम्मी, ये सब बातें उनसे हो क्या गया आपको? अच्छा, अब मैं तुमसे सीखूंगी कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। माँ मैं हूँ कि ये सुमन मेरे पीछे इस तरह से पड़ी हुई है ना, डेस्परेट है काफी मुझे लेकर, मैंने मना कर दिया। तुम्हें देख के इतनी बड़ी स्माइल, मुझे ये लुक चलती है ना, तुम्हारी जितनी खूबसूरत तो नहीं दिखती ना। बंटी कितना स्वीट है ना। कुछ ज्यादा ही स्वीट। वैसे थोड़ी देर पहले बंटी मुझे बता रहा था कि तुम कितना अच्छा बैडमिंटन खेलते हो, मुझे सिखाओगे? अरे बैडमिंटन, अरे जिसको भी बैडमिंटन सिखाता है ना वो नंबर वन बन जाता है। पर भाई ना हर किसी को बैडमिंटन नहीं सिखाता, क्योंकि अगर वो सबको बैडमिंटन सिखा दे तो सब नंबर वन बन जाएंगे और फिर कॉम्पिटिशन ही फिनिश है ना। सुन तो मतलब तुम्हारा भाई मुझे सिखाएगा है ना? तो बताओ। अरे तुम तो भाभी हो, तुमको तो एक हफ्ते में ट्रेन कर देगा है? So modern, चुप हो गया। और फिर बताओ ना श्रवण के बारे में। चलो श्रवण, बाइक की चाबी संजय को दे देना, लेके आ जाएगा। जी चले। अरे सुमन तुम लोग यहीं ठहरो, हम डॉक्टर को मिलके आते हैं। हाँ तुम लोग जाके क्या करोगे? जब तक हम लौट के आते हैं यहाँ की कैंटीन में बहुत अच्छी आइसक्रीम मिलती है, टेस्ट करके आओ। आओ चलो आराम। वैसे आज वॉलेट लाया हूं मैं, तुम्हारे 48 रुपीज का हिसाब नहीं करना। चले चल बंटी है? चल। बंटी तू देविका के साथ चल, मैं आता हूं ठीक है? थैंक यू बेटा। हाँ सुमन, ओह आइसक्रीम उश। एक और लेकर आती। नहीं नहीं ये ले लो, मैं नहीं खाती आइसक्रीम्स। लो। थैंक यू। आप तो कह रहे थे कि छोटी मोटी इंजरी है, फिर एक महीने का रेस्ट क्यों? क्योंकि चोट एंकल पे लगी है,
ज्यादा प्रेशर पड़ा तो प्रॉब्लम परमानेंट भी हो सकती है, और अगर आपको फील्ड पे जाना है तो आप सही कह रहे हैं डॉक्टर, खुद ठीक होगा तभी तो देश के लिए खड़ा हो सकेगा। बिल्कुल, आप चाहें तो बैठे बैठे भी देश की सेवा कर सकते हैं। यानी डेस्क जॉब। हाँ विजय तुम तो कर सकते हो, अब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है। नहीं पापा, प्रिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। भाभी जी चाय लेके आऊं आपके लिए? यू चाय? कॉफी पी सकती थी अगर अभी आइसक्रीम नहीं खाई होती तो। तो ठंडा ठंडा जूस पिला दो अपनी भाभी जी को। हाँ नो थैंक्स। क्या बोला डॉक्टर ने? कंप्लीट एक महीना रेस्ट, फील्ड से एकदम दूर। अरे डॉक्टर तो दो तीन दिन का रेस्ट बोल रहा था। मैंने कहा इतनी मुश्किल से चांस मिले अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करने का, तो दो महीने तो दो कम से कम। बड़ी मुश्किल से एक महीने पर राजी हुआ। प्लीज जिस दिन डॉक्टर आपको ओके फिट बोलेंगे आप उसी दिन अपने बैग्स उठा के चले जाएंगे। संजय साथ चलना तुम्हें। बेटा आपका घर कहाँ है, कहाँ छोड़ना है आपको? हमारे रास्ते में बिल्कुल नहीं आता अंकल, पास में रहती है और इधर आना जाना भी इसका, खुद चली जाएगी। ओके बेटा। अरे मैं हूँ ना, मैं छोड़ देता हूँ। देविका को है? थैंक्स बांटी, मैं बस वॉशरूम से आई हूँ। यार तुम लोग कर क्या रहे हो मेरे साथ? अरे हम तो खुश है क्योंकि तुम इतने खुश हो। अब इतनी स्पेस देने वाली गर्लफ्रेंड सबको थोड़ी ना मिलती है, हम तो तुम्हारे लिए खुश है। जाते हुए बंटी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था, बता रहा था कि कितने स्मार्टली तुमने उसकी गर्लफ्रेंड वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। कहीं बंटी ने इसको ये तो नहीं बता दिया कि देविका मुझे तंग करती है? नहीं नहीं पक्के वाला यार है वो मेरा। हाँ यार बहुत तंग कर रखा था उसने बेचारे को। Really? पर तुमने तो मुझे कहा था कि आपस में फैमिलीज में कोई झगड़ा चल रहा था ना। वो छोटी बात थी, बड़ी बात तो ये है। कैसे? आई मीन ऐसा क्या करती है कि बेचारा इतना परेशान हो गया उससे? बस क्या बताऊं, हर टाइम सेल्फी मांगती थी, सोने जाओ तो सेल्फी, उठो तो सेल्फी, खाने जाओ तो सेल्फी, बाथरूम में भी सेल्फी मांगती थी। बाथरूम में कोई सेल्फी मांगता क्या? नहीं ना, हर मीम में टैग करो उसके, हर फॉरवर्ड जोक में हंसो, वो भी इमोजी वाला नहीं, हा 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 करके हंसो, जब देखो बाबू सोना बच्चा ये वो कर करके उसकी जिंदगी हराम कर रखी थी। और फोन फोन तो इतने की मतलब मेरी जिंदगी अभी भी टिंग टिंग कर रही है। तुम्हारी जिंदगी? बंटी की बातें सुन सुन के मेरी जिंदगी ट्रिंग ट्रिंग कर रही है। ब्रिगेडियर साहब प्रिस्क्रिप्शन दे दीजिए तो मैं मेडिसिन लेता हुआ आऊंगा। संजय गाड़ी मंगवा कर यहीं से वापस चले जाना, दवाई सुमन ले आएगी श्रवण के साथ बाइक पर जाके। ठीक है सुमन। ठीक है सुमन। हाँ जी हो गया, ये में रख लीजिए। बाय सी यू। बाय बाय सी यू। श्रवण तुम उस साइड से प्लग पकड़ लोगे? ओके। वैसे श्रवण हमारी बात बीच में रह गई थी ना, तो तुमने बंटी की गर्लफ्रेंड को क्या समझाया, क्या बोला ऐसा? मैंने सीधा बोल दिया कि बॉस रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि तुम 24/7 साथ में रहो, एक दूसरे को स्पेस देना बहुत जरूरी होता है, यू नो।
देविका। हाय देविका। अच्छा लिसन, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय। देखा, इसे कहते हैं स्पेस देना। एक बार में मेरी बात समझ गई देविका? लगता है समझ नहीं पाई ना। बैंक वालों का फोन है। देविका ना मेरी बात हमेशा मानती है। लगता है बैंक वाले किसी प्रॉब्लम में है ना, इसलिए तुमसे हेल्प मांगने के लिए बार बार फोन कर रहे हैं। मैं उठाकर देखता हूँ, दो मिनट। हाँ हेलो। हाँ 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 ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मजे लेने के लिए परफेक्ट सिचुएशन। मुझे पता है कि सच क्या है, तुम्हें पता है कि सच क्या है, पर तुम्हें ये नहीं पता कि मुझे पता है कि सच क्या है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.